on your faith, on your dreams, on your mind, on your health. Hi guys, welcome to my channel. This is Piyashri Rao and welcome to Pink Forest Villa. आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई अप्लाई माई ट्रेटिनॉइन क्रीम इन अ नाइट टाइम. रेगुलरली मैं ट्रेटिनॉइन यूज करती हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कैसे इसको अप्लाई करती हूँ. वेल, मैं अभी यूज कर रही हूँ 1%, बट मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए आज मैं अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ 0.05% ट्रेटिनॉइन क्रीम. अगर आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं इस ट्रेटिनॉइन को तो डेफिनेटली इट्स अ जर्नी एंड इट्स अ एज रिवर्सेबल प्रोडक्ट, तो आप डेफिनेटली अपने एज को कम कर पाओगे. इससे फाइन लाइन्स और रिंकल्स या तो जल्दी नहीं आएंगी या फिर अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो वो सेटल हो जाएंगी आपकी क्लीन फेस के ऊपर. तो डेफिनेटली ट्रेटिनॉइन इज अ वेरी वेरी नाइस इंग्रेडिएंट, बट इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर. लेकिन मैं आज आपके साथ जो है अप्लाई करने वाली हूँ ट्रेटिनॉइन क्रीम. बेसिकली मैं जेल फार्मूला यूज़ करती हूँ बट दिस इज़ अ क्रीम फार्मूला, क्योंकि मार्केट के अंदर मोस्टली यही अवेलेबल है. तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो देखते हैं. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना. आप ऐसे बहुत सारे लोगों को पता होगा ट्रेटिनॉइन जब आप अप्लाई करते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है, जो कि मैं भी सफ़र करती हूँ उस चीज़ से. तो डेफिनेटली आप इसे बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरीके से लीजिए कि आप बहुत जेनरस मत हो जाइए इस क्रीम को अप्लाई करने. लेस इज़ द मोर, हमेशा कम ही यूज़ कीजिए. कम यूज़ करेंगे तो आपको जो फ्लेकीनेस कम देखने को मिलेगी और जो आपको इफेक्ट्स है वो ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे. अगर आप ये बहुत ज्यादा यूज करने लग जाओगे, बहुत ज्यादा एकदम से एग्रेसिवली यूज करोगे इसको, तो आपको जो है इरिटेशन ज्यादा हो जाएगी, रेडनेस कॉज करने लग जाएगा एंड आपको काफी दिनों के लिए छोड़नी पड़ जाएगी क्रीम. तो आप वो मत कीजिए, हमेशा ऑल्टरनेट डे से स्टार्ट कीजिए. वंस इन अ वीक स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, बट आई थिंक ऑल्टरनेट डे भी जो है परफेक्ट ही होता है अगर आप यूज करना चाहते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल रात के टाइम आप अपना मेकअप उतार लीजिए. क्लेंजिंग बाम यूज़ कर सकते हो, माइसिलर वाटर यूज़ कर सकते हो उसके लिए अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो. अगर नहीं करते तो आप किसी भी माइल्ड फेस वॉश के साथ जो है अपना फेस वॉश कर सकते हैं. आई एम यूजिंग समथिंग एल्स, लाइक आई एम यूजिंग समटाइम आई यूज़ कोजिक एसिड सोप, समटाइम आई यूज़ फेस वॉश. तो मैंने ऑलरेडी अपना फेस जो है वॉश किया हुआ है यहाँ पे. किस चीज़ से मैं यूज़ फेस वॉश कर रही हूँ एक्चुअली उसका एक सेपरेट वीडियो बनता है, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. इट्स अ मुल्तानी मिट्टी काइंड ऑफ पोर क्लेंजिंग समथिंग. सो मैं उसका वीडियो मैं इसके साथ आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इट्स अ लाइक अ रिव्यू पर्पज़ के लिए मैंने उसको रखा हुआ है. बट मैं ऑलरेडी अपना फेस क्लीन करके आ गई हूँ. मैं जूम करके दिखा दूंगी आपको, मेरे स्किन पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस दिखाई देगी और वो फ्लेकीनेस काफ़ी हद तक कभी कभी बढ़ भी जाती है. तो उसको सेटल डाउन करने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी. जस्ट आपकी स्किन हमेशा ड्राई होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग अ ट्रेटिनॉइन. देखो, इससे पहले आप बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं, यू नो डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है, बट हमेशा मैं यूज करती हूँ कि मॉइस्चराइजर आफ्टर दैट अप्लाई करना है, पहले नहीं. सो हम जो है ट्रेटिनॉइन क्रीम लेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें कोई साइंटिफिक काम नहीं है. लोगों ने 200-200 वीडियो बना रखे इसकी, ये करो वो करो फलना, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है और केयर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. ट्रेटिनॉइन आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा. डेफिनेटली हम यहाँ पर पी साइज अमाउंट लेंगे. मैंने बताया आपको लेस इज मोर, हमेशा कम अमाउंट से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पर मैं पी साइज अमाउंट ले रही हूँ. अपने ट्रेटिनॉइन क्रीम को पीछे से दबा के निकाला कीजिए ताकि इसमें हवा ना निकले. और एक चीज़ जो लोग गड़बड़ी करते हैं, इसको डायरेक्टली अप्लाई करके पूरे फेस पर ऐसे कर लेते हैं. हमेशा इसका जो डॉट है हमको वो ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि इवनली अप्लाई हो सके पूरे फेस के ऊपर. ऐसा ना हो कि हम एक जगह पर ही बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दें तो ये अग्रेसिवली वहीं पर बहुत अच्छा काम करने लग जाएगा और बाकी एरिया छोड़ देगा. और ट्रेटिनॉइन की एक जो खासियत होती है वो फैलता है थ्रू हीट की वजह से. हमेशा नेक पर भी अप्लाई कीजिए, बिकॉज नेक को आप एज नहीं करना चाहते हो हीट से. तो आप आँखों के नीचे वीचे अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज ऑफ द हीट ये फैलेगा ही वहाँ पे. एंड देन अच्छे से इसको रब करना, पुश करना स्टार्ट कीजिए. थोड़ा टाइटली ही पुश करेंगे इसको हम अपने स्किन के ऊपर. ऐसा नहीं है तो टाइटली नहीं पुश करेंगे, अच्छे से रगड़ के इसको जो है अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा. और जहाँ जहाँ भी आपने अप्लाई किया है अच्छे से अप्लाई करना है. अगर जिनको डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर आपका अगर नेक एरिया बहुत ज़्यादा ट्रेटिनॉइन नहीं ले पाता है, देन प्लीज़ स्किप दैट. नेक पर अप्लाई मत कीजिए आप अपने ट्रेटिनॉइन को. आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर आईलिड वगैरह पर अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज जो भी आपके हाथ पर है वही आप ऐसे कर लोगे तो अप्लाई हो गया, इट मीन्स अप्लाई हो गया. एंड जो बच गया है वो आप अपने बैक ऑफ द हैंड यूज़ कर लीजिएगा. अब हमेशा जो है, देखो इस पर अलग अलग मिथ है, मैं एग्जैक्टली जानती नहीं साइंटिफिकली क्या है, बट बहुत सारे लोग जो है डैम्प फेस पर अप्लाई नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि द सेट की डैम्प स्किन पर अगर आप कोई भी चीज़ जो है अप्लाई करते हो तो वो डीपली पेनिट्रेट हो जाती है. एंड ट्रेटिनॉइन जो है अगर डैम्प स्किन पर आप करोगे तो वो डीपली पेनिट्रेट हो जाएगी एंड आपकी स्किन के अंदर और ज़्यादा रेडनेस कॉज कर देगी. एक्चुअली ये रीज़न है, बट डॉक्टर्स ने मेरे को कहा था कि आपको ड्राई स्किन पर ही अप्लाई करना है. सो आई एम अप्लाइंग इन माई ड्राई स्किन और माई ड्राई स्किन. तो डेफिनेटली आपको भी ड्राई स्किन के ऊपर ही अप्लाई करना है. मैं आपको एज अ डर्मेट जो मुझे बताते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ.
देखिए मुझे अभी फ्लेकीनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन. सो और ऑल्सो मैं जेल बेस्ड यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर जो है क्रीम वर्जन यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ वेरी माइल्ड वर्जन. जेल बेस्ड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आफ्टर आप कोई भी इमोलेंट अप्लाई कर सकते हो. इमोलेंट में आपके रेगुलर ओट मॉइस्चराइजर भी हो सकता है, कोई थिक मॉइस्चराइजर भी हो सकता है, बट एवर मॉइस्चराइजर, नॉट लाइक वाटर बेस्ड आपको अप्लाई नहीं करना है, कोई अच्छा रिच मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है. सो आई एम अप्लाइंग आफ्टर दैट इमोलेंट क्रीम. सो ये जो क्रीम है ये क्या करेगी, आप बैरियर क्रिएट कर देगी ताकि जो आपकी स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे एंड बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कोज ना हो. वेल इमोलिन मेरे पे बहुत परफेक्टली काम करता है. आप या इसको मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो, जो है आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. बाय द वे मैं इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, मेक श्योर टू चेक देम आउट. बट मैं हमेशा जो मॉइस्चराइजर आफ्टर वर्ड्स यूज़ करती हूँ. ऑल्सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नाक के आसपास की फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम फर्स्ट अप्लाई के अंदर हो रही है तो डेफिनेटली आप मॉइस्चराइजर पहले यूज़ करोगे, बाद में यूज़ नहीं करोगे. एंड आप अपने मॉइस्चराइजर यानी ऑट मॉइस्चराइजर हैवी थिक मॉइस्चराइजर तो आपको नाक के आसपास लगा लेना है, यहाँ पे आईज़ के एरिया पे लगा लेना है, क्रोस फीट के एरिया के आसपास, या फिर आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई योर ट्रेटिनोइन आफ्टर दैट. अगर आपको इतनी ज़्यादा फ्लेकीनेस की शिकायत नहीं होती है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. मॉइस्चराइजर मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, इससे सुबह के टाइम में बहुत अच्छा एक यूजफुल ग्लो आपके फेस पर मिलेगा एंड जो ट्रेटिनोइन है वो बहुत अच्छे से काम करता है. अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो डेफिनेटली ये जो दोनों चीज़ें आप डेफिनेटली यूज़ करके देखना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन. आफ्टर मॉइस्चराइजर मैंने देखा कि सुबह में फ्लेकीनेस जो है वो सेटल डाउन रहती है, स्किन अच्छी ब्रीद कर रही होती है, ग्लोइनेस बहुत अच्छा रहता है फेस के ऊपर, इसलिए मैंने अपने रिजीम के अंदर डेफिनेटली मॉइस्चराइजर शामिल किया है. वेल दिस इज़ द ट्रेटिनोइन स्किन केयर रूटीन. इससे ज़्यादा कुछ भी करना होता ही नहीं है आपको, इट्स अ वेरी इजी पीजी रूटीन. बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अग्रेसिवली आपको ट्रेटिनोइन यूज़ नहीं करना है. अग्रेसिवली मीन्स मेरा मतलब रगड़ के नहीं था, मेरा मतलब था कि एग्रेसिवली क्वांटिटी आपको जो है यूज नहीं करनी है. बाय द वे ट्रेटिनोइन इज अ परफेक्ट मिरेकुलस प्रोडक्ट फॉर मी. इट्स लाइक अ एज रिवर्सिंग एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी ग्लोइंग नेचुरल ओपन पोर्स हर एक चीज के लिए परफेक्ट है, पिंपल्स विंपल्स सब कुछ के लिए. इट्स अ मिरेकुलस गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट फॉर मी. बट डेफिनेटली आई एम यूजिंग लाइक मैं इसको 2 साल से यूज कर रही हूँ और आई थिंक मैं थ्रू आउट द अपनी एज यूज करने वाली हूँ इसको. वेल कहाँ से आप इसको परचेज करोगे इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेंगे, मेक श्योर टू चेक देम आउट. इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए. जय हिंद, बाय बाय.